अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होगे, जहाँ भी होगे अपनी लाइफ को खूब करे होगे, एंजॉय। बिल्कुल। तो फिल्म देखने थे जी, अड़ोना। मैं हूँ लकी द रेसर। अड़ोना अड़ोना, मुझे बता दिया करो, मैं स्टार्ट कर दिया करो। चले ठीक है, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट्स क्या होता है। ए बारिश आ गई, संभल कर ड्राइव करना रे। हैप्पी जर्नी। तुझसे कहा था ना मुझसे रेस मत शुरू करना शिवा रेड्डी, भाग साले भाग। इसका तो ये बात है, तेरी पॉलिटिकल पावर को ये बेलगाम घोड़ा अपनी हॉर्स पावर से मारे। छोटे भाई, ये छोटे तो भाई है। बाप रे, मंत्री है ये भी। ओह माय गॉड, एमएलए। अब मैं गांव जा सकता हूँ मिनिस्टर। पूरी फैमिली को क्लीन बोल्ड कर दो। सीधा यहाँ से शमशान पहुँचाने का था। अरे अरे, अरे ये क्या हो गया? ये कौन सी नीरा? दरवाजा खोलो। क्या हो गया? ऊपर से चलाओ, उड़ा दे उड़े। अरे कोई बचाओ। अब रुकने का नहीं। चल दरवाजा खोलो, तोड़ दो दरवाजा। फुल स्पीड आगे बढ़। ओए आ गया भैया। Bring the action. इंस्पेक्टर लकी के एरिया में राउडीज़। ये पुलिस ऑफिसर कैसे है? छोटे भाई, अरे बाप रे बाप। Oh my God! Start, buddy. On. शुरू करो। ये चल रहा है। अरे जल्दी लाओ, मुझे लाओ। ये यकीन कर रहा है। All right. करंट लगा साले। डॉक्टर, इसे क्या हुआ है डॉक्टर? It's a leukemia cutaneous pulses the chamber of Alex Z of 8-4- It's finally blood cancer. इनके अलावा चार लड़कियों के साथ घूमने पर होने वाली बीमारी है ना? नहीं नहीं, दैट इज लवेरिया। ये किस स्टेज पर है डॉक्टर? आखिरी स्टेज पर हूँ। मेरे छोटे भाई, ऐसा मत बोल। अरे डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। ओह शिट। राजा, तुम्हारे दिए क्रेडिट से हाई कमांड ने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया। भले ही इस राज्य को बेचना पड़े, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। हेलो, यू नो वी आर झकास, मत कर बकवास। आई एम स्पेशलिस्ट ऑफ दिस। बचना मुश्किल है। मेरे राजा को बचाने का और कोई चांस नहीं है। Only 2 days. उनकी कोई इच्छा है तो पूरी करके भेज दो। हे भगवान। राजा, इन 2 दिनों में तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो? लड़कियां चाहिए, बम चाहिए क्या, क्लब चाहिए क्या, हेलमेट चाहिए क्या? अरे क्या चाहिए बताओ ना। अरे ये सब बोलोगे तो जॉइंट में जोर लगेगा, जल्दी मर जाएगा। नहीं मरने दूंगा, आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले नहीं मरने दूंगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ मुझे राजा, बताओ ना राजा। हमारे देश को क्रांति की जरूरत है। क्रांति। सोचा था पुलिस ऑफिसर बनकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे बोलो। मेरी आखिरी इच्छा है कि जिंदगी में पुलिस ऑफिसर बन जाऊं सर। पुलिस? लेकिन 2 दिनों में तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बनोगे? रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारी ख्वाहिश पूरी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अब होम मिनिस्टर सिर्फ इनकी ही वजह से है, इनकी दी हुई भीख है और दोनों ही मरने वाले हैं, ये जानकर भी अब इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इनकी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए ना बाबा, उनके बोलिए ना, बोलिए ना बाबा। अपने दिल्ली में एक बच्चे को कैंसर हुआ था तो उसके एक दिन के आईजी बनने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। मैंने भी टीवी पर ऐसा सुना था। और केन्या में एक एड्स के पेशेंट टेररिस्ट बनना चाहता था, उसकी पूरा पूरी कर दी थी। वो भी टीवी पर आया था। सिर्फ इतना ही क्यों, मुझे भी तो डॉक्टर बनाया ना, जैसे आपको भी तो होम मिनिस्टर बनाया। या अरे राजा रिलैक्स रिलैक्स राजा, क्या एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर मैं आपके लिए पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता सर? राजा, ओह माय गॉड, राजा ये तुम्हारी सर्विस क्या है मैं जानता हूँ। छोटे बच्चों को स्कूल लेकर जाना, अंधों को रोड पार करवाना। राजा जब तुमने आम आदमी रहकर ये सर्विस की तो मैं होम मिनिस्टर बना। तुम पुलिस ड्रेस पहनकर सर्विस करोगे तो मैं किस लेवल तक जाऊंगा ये सोचो राजा। सुन छोटे, अब मैं तुझे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना रहा हूँ। एक होम मिनिस्टर का वादा है, तुम दो दिन के पुलिस ऑफिसर बन चुके हो। ओह माय गॉड, बैच नंबर 78, रोल नंबर 60, ट्रेंड इन देहरादून। ये मेरा सीक्रेटली तैयार किया गया वेपन है। आपकी मर्जी हो या ना हो, इस वेपन को यूज करना ही होगा। दो दिन के लिए एज ए पुलिस ऑफिसर इसे आपको स्वीकारना होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप भी तो अभी अभी होम मिनिस्टर बने हो, फिर आपने इसे कब तैयार किया? इसकी इतनी औकात नहीं है सर। अच्छा तो इसकी इतनी औकात नहीं है? अपने आप को देखो, ये पेट है या तरबूज है? होम मिनिस्टर की बात नहीं मानोगे तुम? ओके सर, ओके। एनी डाउट? 48 आवर्स, तुम सिर्फ एक मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं रहे, तुम एक होम मिनिस्टर बन चुके हो। एंटायर डिपार्टमेंट लकी को ही फॉलो करेगा। और कुछ चाहिए क्या सर? सर मुझे एक फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर की एक स्पेशल टीम चाहिए सर। इतनी सी बात? तुम्हारे ऑर्डर्स अगर कोई मानने से इनकार करता है तो इनसे उसकी बैंड बजा दो। दो दिन है तुम्हारे पास, जो मन में आता है कर सकते हो। राजा मैं तुम्हें बस दो दिन के लिए खुश देखना चाहता हूँ। सर एक बॉल फेंकनी रह गई सर। हाँ तो फेंक। 48 घंटों तक मेरे लिए इस दुनिया से कांटेक्ट छोड़कर एक चंडी यज्ञ कीजिए सर, तो मेरे बचने के चांसेस 1% से बढ़ जाएंगे। मेरे लिए इतना तो कर देंगे ना सर, प्लीज सर। यज्ञ शुरू हो गया है, जाकर लोगों की सेवा करो। 48 घंटों तक मैं ना किसी को सुनाई दूंगा और ना ही किसी को सुनाई दूंगा। पूजा से जाकर राम हरे राम राम राम। इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने बॉस हैं। अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावर्स दूं तो क्या करेंगे? लेकर तो देखिए सर। जी जी सर। आप लोगों की ये सिंसियरिटी देखकर ही मैंने आप सभी के नाम सिलेक्ट किए हैं। आपको अल्टीमेट पावर्स इश्यू कर रहा हूँ। एक ही मकसद हो, बस जी भर के ड्यूटी करनी है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्रिमिनल मिनिस्टर शिवा रेड्डी। मुझे तो ये लोग भी पसंद आए, मुझसे ज्यादा तो इन्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। उस शिवा रेड्डी को मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा। ये कौन है यार? मसल दूंगा। नो मोर डिस्कशन सर, बिल्कुल सही टारगेट दिया है सर। उस शिवा रेड्डी को तोड़ा तोड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूंगा, उसके एलिगेंटों को तबाह करूंगा सर। आ गया यार। यस, व्हाट नेक्स्ट? कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी। बहुत फ्रस्ट्रेशन में लगते हो। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? मेहनत करके किसी को रंगे हाथों पकड़ो तो नेताओं का प्रेशर। दिल्ली में गैंग रेप करने वालों को सजा देने के बजाय उनसे बातचीत किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मुझे पसंद आए सर, आपने मुझे पावर दी। चुटकी चुटकी बजा के सबकी बैंड बजा दूंगा। आप हो कौन? पांडे, किल बिल पांडे। बिल्कुल पांडे। आज ऊपर आने की वजह क्या है? शिवा रेड्डी का फैसला जो करना है। उसका फैसला करने में मुझे बहुत खुशी है। मी टू। टारगेट ऑन। हमारा टारगेट सिर्फ शिवा रेड्डी है। जब तक उसकी जड़ें खोद ना लूं, हमारी फोर्स नहीं रुकेगी। यस सर। किसी की बात नहीं सुनेगी। यस सर। वी डोंट हियर एनीबॉडीज ऑर्डर। ओह माय गॉड। अच्छा उसने पावर दिए दो दिन के लिए, घर वालों को नहीं पता। सबको अरेस्ट कर लो। ये स्पेशल कपड़े? स्पेशल टीम है, स्पेशली मैंने डिजाइन किया। आप भी एक पहन लो सर। मस्त लगा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए जीप में जगह कम पड़ रही है सर। एक को छोड़ दो। नो।
इसमें क्या गया सर? बस गिनती के चार बुलेट्स, एक्स्ट्रा लगेज थी। थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। आप तो है ना सर, ऐसे ही चला तो मैं भी नहीं बचूंगा। थोड़ा सा कंट्रोल करो बिल। नहीं हो सकता सर, फ्रस्ट्रेशन। 10 साल हो गए जी भर कर ड्यूटी किए। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? लकी तो एक बार फिर गलती कर रहा है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के गिरेबान पर हाथ डालने से क्या होता है किलबिल? हमारे ऑफिसर की बेइज्जती। अरेस्ट। भैया अंदर रहेंगे तो ही हम ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे। भैया शिवा रेड्डी से जुड़े सारे काले धंधों पर हम रेड करेंगे, सारे एक साथ होंगे। सर ये शिवा रेड्डी का ऑडिटर है। स्टेट में शिवा रेड्डी के बहुत सारे इलीगल कारोबार चल रहे हैं जिन्हें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है सर। मुझे तो सिर्फ 2-3 ही मालूम है जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कैसे पता लगाया जाए? उसी से बुलवा लें। उससे ही बुलवा लेंगे? पर कैसे? अटैक। गुड। अटैक। फ्रस्ट्रेशन सर, फ्रस्ट्रेशन। कौन है तुम? स्पेशल रैपिड फोर्स। पता ये फैक्ट्री किसकी है? मिनिस्टर शिवा रेड्डी की। ये शिवा रेड्डी कहेगा तो ही मानेगा। सर मुझे आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया। किल बिल पांडे। स्पेशल ऑफिसर कौन है वो? फोन दो उसको जरा। सर, सर ये फैक्ट्री आपकी है सर? हाँ बे गधे, वो पूरी फैक्ट्री मेरी है। सर मुझे तो पता ही नहीं था। तो कौन हो बे रेड डालने वाले? सेंट्रल ने अपॉइंट की हुई स्पेशल रैपिड फोर्स सर। स्पेशल रैपिड फोर्स? एसआर मतलब आप ही हैं सर? एसआर मतलब मैं ही हूँ, शिवा रेड्डी। हमें नहीं पता था सर। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा, तुम पहले वहाँ से बाहर निकलो। अभी निकलता हूँ सर। नेक्स्ट अटैक। सर नकली दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है सर। ये गोडाउन मिनिस्टर तिवारी का है। किलबिल कंट्रोल। लिसन टू मी प्लीज। अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाओ किलबिल। अरे वो किसकी है ये जानकर रेड मारो ऑफिसर। शिवा रेड्डी सर, ये फैक्ट्री भी आप ही की है? हाँ वो भी मेरी ही। एक्सट्रीमली सॉरी सर, उसने तिवारी कहा ना इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तिवारी? ये शिवा रेड्डी की फैक्ट्री है। नेक्स्ट अटैक। पर ये भी आपकी फैक्ट्री है सर? हाँ मेरी है, मेरी है, मेरी है। एक किलबिल पागल है क्या? फिर से शिवा रेड्डी की फैक्ट्री में लेकर आ गया। सर हमें जैसी लिस्ट मिली है उस हिसाब से रेड मार रहे हैं। इसमें से कौन सी आपकी हमें नहीं पता। तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काम कीजिए ना, आप अपनी प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट बनाइए। हम बहुत कदम भी नहीं रखेंगे। उसके मुंह से ही बुलाएंगे कि उसकी कौन कौन सी अनलीगल फैक्ट्रियां हैं। उसके पास भी 48 घंटे की गेम खेल लिया है। पूरी वो लिस्ट बनाकर अब देगा तो वो जल्दी फिर अटैक होगा उसपे। चले ये वैसे प्लान उनका काम कर गया क्योंकि उसके पास भी पावर आ गई है भैया। दो दिन की पावर आई है वो। हमने एक मूवी देखी थी अनिल कपूर से जिसे में एक दिन के सीएम था। वो था एक दिन का नायक, नायक मूवी थी। तो ये इसके पास बनी है 2 दिन की पावर। देखते हैं क्या होता है आगे। जी नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं।